आप है किस तरह का रोल है आपका? एक्शन राजा मेरा फिल्म नहीं है, शुभकामनाएं देने आए हैं हम, शुभकामनाएं देने आए हैं सर आज आपके फिल्म का मुहूर्त। हाँ, प्रोडक्शन नंबर 2 की मुहूर्त है और एक्शन राजा का अभी पोस्टर लॉन्च है, पोस्टर लॉन्च ना, ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च और म्यूजिक। तो मेरी तरफ से एक्शन राजा के लिए शुभकामना, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेम है जो प्रोडक्शन नंबर 2 के हैं। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ये प्रोडक्शन इतना ऊपर जाए कि हर वो हीरो इस प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व रहे और हर हीरो काम करने की इच्छा रखे। बाकी आज आपने फिल्म का मुहूर्त भी है तो किस तरह का रोल है उस फिल्म के बारे में बताइए। देखिए, फिल्म में तो सब एक ही तरह का रोल होता है और मैं हीरो हूँ, जो मुझे रोल उसमें करने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी तक की एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी फिल्म करने जा रहा हूँ कि आज तक इसे इंडिया या बॉलीवुड, हिंदुस्तान में तो बनी ही नहीं होगी। जिस टाइप का मेरा ये कहानी है कि कुछ हटके है और इतना हटके है कि शायद अभी तक इंडिया में किसी लैंग्वेज में नहीं बनी होगी, उस टाइप की मैं फिल्म कर रहा हूँ। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या है? आने वाले प्रोजेक्ट मेरी मेहंदी लगा के रखना, दिलवाला और दुल्हन गंगा पार के बाबरी मस्जिद जो कंप्लीट है, और ये सारी फिल्में कंप्लीट है मेरी। तो पैसा का खन थोड़ा सा आना जाना हो जाए तब हम लोग रिलीज करेंगे। थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम है बिहार में, बिहार का हर जगह है, तो इस समय रिलीज़ करना ठीक नहीं है जब हमारे घर के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे ज़िला के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग परेशान है खुद पैसे के लिए। तो जब तक पेट में अनाज नहीं होता है ना, तब तक कोई मनोरंजन नहीं करता है। आपको कुछ दिक्कतें आई 500,000 के नोट? हमारे पास था ना 50-60 हज़ार रुपया, तो बदल दिए हम, दो चार को अपने अकाउंट में डाल दिए। 100 का कुछ छूट उट मिला था ना हमको, छूट बहुत मिलता है हमको, तो बहुत छूट मिलता है ना, वो परिवार मैंने जी खुश होकर लोग इनाम देते हैं, तो वो सब कुछ था, तब हम भी बदल लिए, कहाँ करें, कुछ खर्चे के लिए रखे थे तो बदले हैं, कुछ बाकी है वो भी बदल लेंगे। बाकी आप सर, आपकी फिल्म बाबरी मस्जिद की बहुत बात हो रही है, वो बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ बताइए, कि यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके बारे में। बाबरी मस्जिद एक ऐसी फिल्म है कि एक प्रेम कथा है और हम आपस में लड़ जाते हैं, उसमें फ़ायदा नेताओं को होता है। तो एक संकेत है उसमें, एक शुभ संकेत ये है कि आप और हम एक हैं और हम लोग इस चीज़ों को नहीं समझते हैं, लोग फायदे के लिए हमें लड़ाते हैं। तो जब फिल्म रिलीज होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर किया गया है, ऐसा नहीं कि हम बाबरी मस्जिद के लिए और राम मंदिर के लिए कुछ ऐसा संकेत दिए हैं, हम एकता को उसमें जोड़े हैं। और देखिए पब्लिक को कितना पसंद आती है, क्योंकि एकता ही ऐसा चीज़ है जो एकता से बहुत कुछ हो सकती है, और मैंने एकता को सर्वोपरि रखा है उसमें। और हिंदुस्तान मेरा देश है, इस बात का मुझे घमंड है, और हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ, इस बात का भी अहंकार है मुझे कि हम एक हैं और इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, तो हिंदुस्तान के हर उस कल्चर को, हर उस चीज़ों को अपना समझ के ही काम करें, हम अपने मनोरंजन के लिए किसी के धर्म को ठेस न पहुँचाएं, और मैंने उसमें किया है। 500,000 के नोट बदले सरकार ने सही फैसला लिया आपके अनुसार? जी सॉरी, सरकार ने जो फैसला लिया है 500,000 के नोट को बंद करने का, वो सही फैसला है क्या?